हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के बारे में, जो कि है फ्रीडम ऑफ असेंबली या असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, एक जगह पे इकट्ठे होना शांतिपूर्वक बिना हथियारों के साथ। तो ये जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दिया गया है। इसके ऊपर आपको सॉफ्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली किस आर्टिकल में दिया गया है। तो उसका आंसर है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में, जो कि फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, वो राइट दिया गया है। तो ये जो राइट है सब क्लॉज बी के अंतर्गत, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि क्लॉज 3 में दी गई है। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3 में इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है कि स्टेट कैन मेक लॉ, स्टेट लॉ बना सकती है जिसके अंतर्गत इन द इंटरेस्ट ऑफ, इसको देखते हुए, किसको देखते हुए, सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों कंडीशन को देखते हुए इन कंडीशन के इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। इस राइट को एक्सरसाइज करने में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली कोरिलेटिव हैं। ये एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल टर्म्स हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली दोनों एक म्यूचुअल कोरिलेटिव है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा तो फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा, अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वहीं पे होगा। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि सभी सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट है। किसका राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। और सब क्लॉज बी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म। तो ये दोनों राइट इकट्ठे हैं। जब ग्रुप ऑफ सिटीजन है वो असेंबल होते हैं कहीं पे एक जगह पे और वो नारे लगाते हैं अपनी डिमांड को लेके, तो वो अपना जो राइट है वो दोनों राइट साइमल्टेनियसली एक साथ ही एक्सरसाइज कर रही होती हैं आर्टिकल 19 क्लॉज सब क्लॉज 1 ए में और बी में, जिसके क्लॉज ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच और बी में है असेंबली, क्योंकि जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे अपनी वॉइस रेज करेंगे तो वो अपना राइट यूज करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इकट्ठे हो रहे हैं तो वो अपना राइट यूज कर रहे हैं सब क्लॉज बी के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये हेल्ड किया था कि जो राइट टू मेक ए डेमोन्स्ट्रेशन है, जो लूस निकालने का जो राइट है वो कवर है फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सब क्लॉज ए में और असेंबली सब क्लॉज बी में। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ने बेंच ने बकायदा हेल्ड किया। इस क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोसेस जुलूस जिसे कहते हैं कि क्या वह प्रोटेक्टेड है सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी के अंतर्गत। तो इशू डिसाइड करते हुए कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कई तरह से रूप ले सकता है, कई तरह की फॉर्म ले सकता है। जो असेंबली होती है वो लोगों का जो ग्रुप होता है उसकी फीलिंग होती है उस अथॉरिटी के लिए, जिस अथॉरिटी की को वो अपनी आवाज है वो पहुंचाना चाहती है, तो उन लोगों की फीलिंग होती है, ये एक असेंबली का फॉर्म होता है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कई तरह के रूप ले सकता है। अब ये देखना ये है कि वह आर्टिकल की एम्बिट में आता है, आर्टिकल की गारंटी में आता है, वो किस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसे कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन है वो नॉइजी और डिसऑर्डरी है, जैसे कि स्टोन थ्रोइंग है पर क्राउड द्वारा, तो वो एग्जांपल है वायलेंट एंड डिसऑर्डरी डेमोन्स्ट्रेशन, वो तो सर्टनली फ्रीडम ऑफ असेंबली की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद जो पीसफुली या ऑर्डरली असेंबली है या ऑर्डरली डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर है, उन्होंने कुछ बैज अपने वियर कर रखे हैं, ब्लैक बैज है या कुछ भी, वो अपनी इंटेंशन सीक करने के लिए उन्होंने वियर कर रहे हैं, तो वो एक पीसफुल असेंबली के कैटेगरी में आएगा और वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंतर्गत उसको गारंटी है, वो राइट ऑफ फ्रीडम उसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि राइट टू प्रोटेस्ट
क्या फंडामेंटल राइट है? क्वेश्चन है कि राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है? तो राइट टू प्रोटेस्ट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट वो फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल वो फंडामेंटल राइट है। बट वो राइट पीसफुली एक्सरसाइज होना चाहिए विदाउट किसी वायलेंस के। प्रोटेस्ट एक वे है जिसके थ्रू अथॉरिटी को लोग अपनी फीलिंग कन्वे करते हैं, अपनी डिससेंट जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए या गवर्नमेंट एक्शन के लिए, उसके लिए एक प्रोटेस्ट एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। रामलीला मैदान इंसिडेंस के केस में जो कि वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन जब डिसाइड कर दी कि पुलिस जो एक्शन है प्रोटेस्टर के अगेंस्ट उसकी वैलिडिटी क्या है, उसको एडजुडिकेट करते हुए कोर्ट ने ये कहा थी कि फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन को ग्रांट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। कोर्ट ने ये डिसाइड करते हुए ऑब्जर्व किया कि राइट टू असेंबली जो फ्रीडम है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि धरना देना, पीसफुली एजिटेशन करना, वो बेसिक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का और गवर्नमेंट को इसको एक्सरसाइज करने में इसको इनकर्ज करना चाहिए, ना कि इसको अलग अलग तरीके से रोकना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया में ये लोग अपनी वॉइस हैं वो रेज करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन और एक्शन गवर्नमेंट के खिलाफ, और अपना जो एंगर है वो एक्सप्रेस करते हैं, अपनी डिसेंट एक्सेप्ट करते हैं किसी भी सोशल कॉज के ऊपर, किसी नेशनल या नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे के ऊपर या उनकी पॉलिसी को लेके। तो ये लोगों का बेसिक राइट है डेमोक्रेटिक कंट्री में, गवर्नमेंट को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको इनकर्ज करना चाहिए कि ऐसे राइट वो यूज कर सकें। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसे राइट को एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर जो लोगों को है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाए, सो दैट कि उनको ऐसा ना हो कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करने की बजाय गवर्नमेंट उसके ऊपर ऐसा मेयर लगा दे कि वो अपने राइट को यूज ना कर सके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू, या कोई ऐसे ऑर्डर पास करे जिसके ऊपर डायरेक्शन के साथ कोई वो रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है उसके नाम पे लोगों को वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जलूस है या धरना प्रदर्शन है उसको दबाया जा सके। कोर्ट जो गवर्नमेंट है वो प्रिवेंटिव स्टेप ले सकती है जो कि एक्चुअल और प्रोमिनेंट थ्रेट, अगर इंडेंजर पब्लिक ऑर्डर को एक्चुअल थ्रेट होने की संभावना है तो जो गवर्नमेंट है उसको प्रिवेंटिव एक्शन स्टेप ले सकती है ताकि जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो। इसकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट उस पावर को ध्यान से ही विदाउट आर्बिट्रेरीनेस उसको एक्सरसाइज करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर बैन लगाया जा सकता है? तो डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर बैन तो नहीं लगाया जा सकता, बट कोर्ट ने कहा है कि जो बैलेंस है एजिटेटर जो प्रोटेस्टर हैं और जो रेजिडेंस है वहां पे जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है उनके राइट में बैलेंस बना होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन उस राइट को कैरी करते हुए ही होना चाहिए। इस केस में मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2018 में डिसाइड हुआ था, क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बैन डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर टोटल बैन होना चाहिए जो कि जंतर मंतर पे होते हैं, क्योंकि ये राइट को वायलेट करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके राइट को भी वायलेट करते हैं और ये इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस केस के बैकग्राउंड में जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे जंतर मंतर के, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने एक एप्लीकेशन लगाई और उसमें उन्होंने ये अलैज किया कि जंतर मंतर रोड पे लोग जो आते हैं प्रोटेस्टर आते हैं अलग अलग देश के पांच से, वो अपने टेंट लगाते हैं वहाँ पे, अपने लाउड स्पीकर लगाते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है। कई बार तो उनको अपने व्हीकल हैं वो अपने रेजिडेंस से थोड़ा दूर पार करने पड़ते हैं, वहाँ से उनको पैदल चल के जाना पड़ता है, इसमें बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसकी वजह से वहां के रेजिडेंट्स ने एनजीटी के सामने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये पिटीशन लगाई। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को सिचुएशन देखते हुए गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वो इमीडिएटली जो धरना प्रदर्शन की एक्टिविटी है उसको स्टॉप करे, जो एजिटेटर हैं उनको टेम्परेरी जो उनके स्ट्रक्चर है उनको रिमूव करे और इनको कहीं और जगह शिफ्ट करे, जैसे कि रामलीला मैदान में और अजमेरी गेट में कहीं भी शिफ्ट करे, वहां से हटाए उसको। तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील ऑब्जर्व करते हुए लिखा कि जो
एनसीटी अथॉरिटी है, एनसीटी अथॉरिटी के सामने है, उसके सामने ऐसी सिचुएशन दी गई कि जो लोग हैं वहाँ के रेजिडेंस है उनके सामने उनके राइट भी इन्फ्रिंग हो रहे हैं, उनको डेमोस्ट्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसी जो एडवर्सल अप्रोच दोनों तरफ पार्टी से दी गई, क्योंकि जो एजिटेटर हैं उनके राइट भी आप उसको भी मना नहीं कर सकते एजिटेट करने से, और जो रेजिडेंस है उनके राइट भी आप नहीं वायलेट होने दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का राइट है वो फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट करने का पीसफुल राइट है डेमोन्स्ट्रेशन करने का, कि लोग अपने ग्रीवियंस हैं वो अथॉरिटी को दे पाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह हेल्ड किया कि उसके ऊपर कंप्लीट बैन डेमोन्स्ट्रेशन का इस एरिया पे नहीं लगाया जा सकता, बट अथॉरिटी उसको लेके कुछ ऐसे मेजर रेमेडियल मेजर अडॉप्ट करे सो दैट कि दोनों के राइट में बैलेंस बना रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कंप्लीट बैन जो पब्लिक मीटिंग है ऑन रोड स्ट्रीट रोड पे स्ट्रीट पे वो हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट बैन पब्लिक मीटिंग स्ट्रीट में नहीं लगा सकती, बट उनको रेगुलेट कर सकती है सच मीटिंग को, मस्ट नॉट बी, और जो रेगुलेशन होगा वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। क्लैनवा के जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हेमंत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद 1973 में डिसाइड की थी। क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो रूल है बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत बनाया गया, उसके तहत के वो रूल 19 आर्टिकल की वायलेशन करता है और उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वह आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेट एंड रीजनेबली अनजस्टिफाइड है एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली को यूज करते हुए। जो रूल है 7 वो फ्रेम किया गया कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सेक्शन 33 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ के तहत बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत, जिसके तहत क्या था कि कोई भी पब्लिक मीटिंग विद और विदाउट लाउड स्पीकर कहीं भी पब्लिक स्ट्रीट पे नहीं हेल्ड की जा सकती विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद सिटी के, जहां तक कि अनलेस एंड अनलेस अंटिल उसके पास वो नेसेसरी परमिशन ऑथोराइज्ड ऑफिसर कमिश्नर के पास से नहीं ली गई। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रूल 7 है ये एक अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन देता है, प्रैक्टिकली डिपेंड अपॉन द सब्जेक्टिव कि किस अथॉरिटी के पास वो परमिशन लेने जा रहा है और वो अथॉरिटी किस वजह से वो परमिशन रिफ्यूज कर रही है। तो ये एक जो रूल है 7 वो बहुत ज़्यादा वेग रूल है और जो कि वायलेट करता है आर्टिकल 19 को। सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, स्टेट को इसके लिए असेंबल करने के लिए लोगों को इसकी एड करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस तरह की प्रोहिबिशन को रेगुलेट करे, बट टोटली बैन करना किसी भी एंगल से सही नहीं है। स्ट्रीट के अगर हाईवे पे कोई न्यूशंस होता है, डिस्टर्बेंस होती है ट्रैफिक को, तो उसको रेगुलेट करे बट उसको बैन नहीं कर सकती। तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये वायलेशन है। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि ये सही है कि स्टेट कैन नॉट मेक लॉ और ब्रिज टेक अवे द राइट, स्टेट ऐसा कोई लॉ बना नहीं सकती जिसके वजह से उसका राइट टू असेंबली है वो लोगों से सुन जाए पब्लिक स्ट्रीट के, बट स्टेट उनको रेगुलेट कर सकती है सो दैट कि वहाँ से जो बाईपासर हैं या वहाँ के रेजिडेंस हैं उनको भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इन पब्लिक ऑर्डर में वो इम्पोज कर सकती है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।